ओ, इन दिनों दुनिया के नक्शे पर दो हमसाया ममालिक आर्मेनिया और आजरबाइजान के दरमियान कशीदगी ने बहुत से ममालिक और अमन पसंद लोगों को परेशान कर दिया है इस सब के बीच फ्रांस के सदर अमेनल मैखवा ने कहा है कि उन्हें तुर्की की जानब से जंगी नौत के इशारे मिलने पर सख्त तशवीश है तुर्की और फ्रांस हालिया महीनों में मश्रकी बहिरा रूम में कुछ खड़े हैं इसके अलावा में जारी खाना जंगी से हैं आजरबाइजान और आर्मेनिया के दरमियान नागोनो कारबा के तनाजे पर होने वाली हालिया खूनरेज झड़पों में तुर्की ने आजरबाइजान के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है 28 सितंबर को तुर्की के सदर रजब तयब उर्दावान ने आजरबाईजान की हमायत का आदा करते हुए आर्मेनिया से कहा था कि वो आजरबाईजान की सरजमीन से फौरन निकल जाए जिस पर उसने कब्जा किया हुआ है तो मैं आज एक मरतबा फिर शदीद अल्फाज में आर्मेनिया की जानब से आजरबाईजान की सरजमीन पर जारियहत की मजम्मत करता हूँ तुर्की अपने दोस्त और हमसाया बरदर मुल्क आजरबाइजान के साथ खड़ा है और हम हर मुश्किल में उनका साथ देंगे अब वक्त आ गया है कि नागूनों कराबाख के, के मतनाज़ा इलाके से शुरू होने वाली कशीदगी को खत्म किया जाए खत्ते को अमन एक ही सूरत में नसीब हो सकता है की आर्मीनिया आजरबाईजान के इलाके से अपनी फौज वापस बुला ले। तुर्की की जानब से आजरबाइजान की हिमायत कोई नई बात नहीं है लेकिन हालिया सूरत हाल ने तुर्की को अपनी खारजा पॉलिसी के अहदाफ को आगे बढ़ाने और अंदरूनी तौर पर कौम परस्ती के जज्बात को मजीद उभारने का मौका फराहम किया है आजरबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान तनाजे में शामिल होना तुर्की की खारजा पॉलिसी के हालिया इकदाम में एक नया इजाफा है इससे पहले शाम और लीबिया में मुदाखलत इराक में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के खिलाफ जारी कार्रवाइया और मशरक़ी बहिरा रोम में अपना असर बढ़ाने की कोशिश खत्ते में तुर्की के अजाइम को जाहिर करते हैं अब जरा ये जानते हैं कि तुर्की और आजरबाईजान का सकाफती ताल्लुक कैसा है तुर्की के अवाम में आजरबाईजान की बड़े पैमाने पर हमायत की वजह वो करीबी ताल्लुक हैं जो लेसानी नस्ली और सकाफती बुनियादों पर कायम हैं तुर्की में इन ताल्लुक के बारे में कहा जाता है दो रियासतें एक कौम अब तुर्की के अंदरूनी महरिकात क्या हैं? तुर्की की जानब से आजरबाईजान की बढ़ती हुई हमायत के पीछे अंदरूनी सियासी चालों का बड़ा हाथ है यानी तुर्की की मौजूदा हुकूमत इस हमायत के नतीजे में सियासी फवायद हासिल करना चाहती है सदर उर्दान की हुकूमत सन 2008 से सन 2009 में आर्मेनिया के साथ ताल्लुक बेहतर करने की कोशिश कर चुकी है लेकिन नागोर्नो कारबाग पर इख्तलाफात के बायस ये कोशिश नाकाम रही अब आजरबाईजान तुर्की के लिए अहम क्यों है वजह क्या है आजरबाईजान तुर्की के लिए बहुत अहम है क्योंकि तुर्की अपनी जरूरत की तोनाई का एक बड़ा हिस्सा आजरबाईजान से दरामद करता है इतलात के मुताबिक इस साल मई में तुर्की ने अपनी जरूरत की एक तहाई गैस आजरबाईजान से दरामद की हालिया बरसों में गैस की दरामद के लिए तुर्की का रूस पर इसार कम हो रहा है इसी वजह से बाज मुबसन का यह भी कहना है कि रूस की कोशिश है कि तुर्की और आजरबाइजान के दरमियान तोानाई से मुतक तान में रखना डाला जाए आजरबाईजान के सदर इस सूरत हाल में क्या कहते हैं आइए देखते हैं हमारी एक शर्त है और वो ये कि आर्मेनिया अपनी मुसल्ह अफवाज को जितना जल्दी मुमकिन हो हमारे इलाके से निकल जाने का हुक्म दे अगर आर्मेनिया की जानब से हमारी शर्त मान ली जाती है तो तब ही जंग बंदी और ये खून खराबा रुक सकता है और खत में अमन का बोलबाला हो सकता है आजाबाई की जानब जारी होने वाले बयान के बाद के ने अपनी आवाम ख़िताब में किसी भी किस्म की जारियत के लिए तैयार रहने का कहा है आर्मीनिया के गजूर और बहादुर लोगों मैं आज आपसे मुखातिब हूँ आर्मीनिया के अवामी मकाम और मासूम लोगों को आज़रबाई जान की जानब से निशाना बनाया जा रहा है और हमारे मासूम लोगों का खून बहाया जा रहा है हमारी सरजमीन पर गोला बारी की जा रही है हमारी मुसल्ह अफवाज बहादरी से दुश्मन का मुकाबला कर रही हैं अजरबैजान अपने हिमायतियों के साथ मिलकर न सिर्फ हम पर जंग मुसलत किए हुए है बल्कि झूठे और बेबुनियाद इल्जाम भी हम पर लगाए जा रहे हैं आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर्मेनिया पर मुसलत की जाने वाली ये जंग सिर्फ उस खित्ते के अम के लिए ही खतरा नहीं है बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए ही खतरनाक साबित हो सकती है इस सूरत हाल में अब आगे क्या होगा एक तरफ तो रूस ईरान यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने जंगबंदी और तहमुल से काम लेने पर जोर दिया है यहां तक कि रूस ने आजरबाइजान और आर्मेनिया के दरमियान नागौरनो कारबाग के मतनाज़ा खिते पर जारी लड़ाई खत्म करवाने के लिए मुजाक की मेजबानी की पेशकश भी कर दी है ताहम दूसरी तरफ तुर्की की वजारत खारजा ने आजरबाइजान के साथ सबित कदमी से खड़े रहने का आजम जाहिर किया है आने वाले दिनों में चाहे इस तनाजे में तेजी आए या कमी सियासी हालात ये जाहिर कर रहे हैं कि आज़रबाईजान के लिए तुर्की की हमायत जारी रहेगी